श्री 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 महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ आयनगर कोहका की संचालन समिति ने एक अनूठा प्रयास किया है। इसके तहत विलुप्त की कगार पर खड़ी सनातनी भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मंदिर परिसर में प्रति रविवार निःशुल्क पाठशाला का शुभारंभ किया गया है। कहते हैं संस्कृत भाषा से संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन सनातन धर्म की प्रमुख भाषा रही है, परंतु आज के परिवेश में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा कई स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन स्कूलों में भी इस भाषा का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है, जिससे यह भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसे देखते हुए श्री 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 महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ आर्यनगर कोहका के संचालन समिति एवं मानव कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान ट्रस्ट के द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए प्रति रविवार को निःशुल्क संस्कृत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत रविवार 31 जुलाई से की गई। इस अवसर पर प्रथम दिवस उपस्थित विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भी वितरित किए गए। मंदिर परिसर में बने सभागार में इस पाठशाला का संचालन किया जाएगा। इस पाठशाला के शुरुआत करने के उद्देश्य को बताते हुए समिति के सदस्य एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान देने वाले आचार्य ने बताया कि आज सनातन धर्म की भाषा संस्कृत विलुप्त होती जा रही है और पालक भी अपने बच्चों को इस भाषा के प्रति जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज के परिवेश में बच्चों में संस्कार की कमी देखी जाती है, क्योंकि संस्कृत भाषा से संस्कार बनता है। यह भाषा बहुत ही सरल, सौम्य और कर्णप्रिय मानी जाती है और इन्हीं बच्चों को संस्कृत का ज्ञान देकर संस्कारवान बनाना ही मंदिर समिति का एकमात्र उद्देश्य है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज के भविष्य में जो चल रहा है वर्तमान और आगे भविष्य भी अंधकार दिखाई दे रहा है। ऐसी भाषाओं में और ऐसे स्कूल कॉलेजों में जो अन्य भाषाओं को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो घर वालों को कहा जाए या स्कूल कॉलेज वालों को कहा जाए, जिसमें संस्कृति का विनाश हो रहा है। संस्कृत में ही संस्कृति है और संस्कृति से ही शिक्षा, आचार विचार जो कुछ है सब संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। जो भी अपने वैदिक काल, सनातन काल जो पहले से चला आ रहा है, उसमें जो भी भाषाएं, श्लोक, मंत्र इत्यादि जो कुछ हैं वो सब संस्कृत में ही हैं। उनका भले ही अनुवाद किया गया हो अन्य भाषाओं में, दूसरे भाषाओं को समझने के लिए, दूसरे व्यक्तियों को समझने के लिए। इसी संस्कृत का आजकल विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ अपने जहाँ की इसकी प्रचलित भाषा है, रही है, इसको लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास यह, इसलिए हमने निःशुल्क रखा है। आजकल इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं उनमें खूब मनमानी फीस है, लेकिन फिर भी वहाँ जगह नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं हो रहे हैं और संस्कृत के विद्यालय जितने हों सब खाली पड़े हैं। नाम के चल रहे हैं कि वहाँ संस्कृत विद्यालय हैं, लेकिन बहुत सारे खाली पड़े हैं, वहाँ संस्कृत शिक्षा नहीं हो रही है। यही चीज़ है कि उनको उनमें कोई संस्कार नहीं है। किसी मंत्र, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको मंत्र तो आते हैं या संस्कृत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका शुद्ध अर्थ नहीं समझ पाते हैं। संधि विच्छेद बड़े वाक्य हैं तो उन वाक्यों को टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ाने का मतलब, पढ़ने का मतलब, संस्कृत का मतलब या व्याकरण का मतलब ये होता है कि कितना भी बड़ा शब्द हो उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको अर्थ सहित समझा जाए, वो उचित संस्कृत है और उसी से हमको ज्ञान मिलता है। और संस्कृत को पढ़ने वाला व्यक्ति जितना संस्कार होगा, अन्य भाषाओं को पढ़ने वाला मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, वो एक किंवदंती हो गई, कोई हजारों में एक व्यक्ति निकल गया तो उससे एक प्रमाण नहीं कहा जाता है, लेकिन संस्कृत को पढ़ने वाला प्रमाण है 100% कि वो व्यक्ति संस्कारवान होगा। इसलिए हमने विचार रखा है, हम यहाँ अपने समिति के सदस्यों से आवाहन किए हम कि अपने बच्चों को या और भी जो नगर एरिया के बच्चे हैं उनको सबको लाएं और भले ही महीने में एक दिन या एक हफ्ते में एक दिन का समय रखा जाए, एक घंटा हम भी अपना देंगे, जो भी कुछ कार्य है उसको छोड़कर यहाँ एक घंटे का समय देंगे और उनको संस्कृत का अध्ययन कराएंगे, उनको शिक्षा देंगे, यही हमारी इच्छा है। आज ये जो एक अनूठी पहल की गई है, ये एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है कि आने वाले समय में एक मिसाल सी हो जाएगी।
मैंने कुछ दिन पहले कहीं एक सोशल मीडिया पे देखा था, सुना था कि जो सर्वे किया गया है उसमें जो संस्कृत का उपयोग है वो आज 5% से भी कम के स्तर पर आ चुका है, और कहीं कुछ ऐसा है कि अगले सर्वे में अगर ये इससे भी नीचे आता है तो इस भाषा को विलुप्ति के कगार पर ला दिया जाए। अब ये हम लोगों की एक अनूठी पहल थी, जैसा कि हमारा ट्रस्ट है मानव कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान ट्रस्ट, तो हमारा तो एक उद्देश्य ही है, इसी के बेस पे इस ट्रस्ट का भी निर्माण किया गया कि मानव का कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज के समय में ऐसा होता है कि नई पीढ़ी को जो स्कूल में ज्ञान दिया जा रहा है, जो अन्य भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है, मैं निश्चित उसको स्वीकार करता हूँ कि वो जो अन्य भाषा की शिक्षा है वो सामाजिक विकास से ज़्यादा आर्थिक विकास में सहयोग कर रही है। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी पीढ़ी, हमारे जो वर्तमान जो बालक है, जो बच्चे हैं, वो धीरे धीरे हमारी सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, और ये मेरे विचार से मंदिर का और सभी लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत एक प्रयास करके हमको इस सनातन संस्कृति से जोड़ रखा है, तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस नव पीढ़ी को इसी प्रकार इस संस्कृति से जोड़ते जाएं और इस सनातन संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ाते जाएं। संस्कृत की जो कक्षा हमने शुरू करी है, इसका एक सबसे अच्छा एक जो विचार है, एक जो फ़ायदा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपने कभी देखा होगा, आप जब अकेले परेशान रहते हैं, किसी मंदिरों में जाते हैं, किसी पंडित पुरोहित के द्वारा किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान अपने घर पे, अपने स्थल पे करवाते हैं, तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता है, वो मंत्रों का उच्चारण ऐसा कहा जाता है कि वातावरण को शुद्ध करता है और चित्त को शांत करता है। अगर हम संस्कृत की भाषा का उपयोग सिर्फ आम बोलचाल में भी थोड़ा बहुत भी करते हैं, तो चूँकि सारे मंत्र भी संस्कृत में होते हैं, अगर उसी संस्कृत का उपयोग किया जाए तो वो एक प्रकार से मंत्रों का ही काम करते हैं और वो हमारे चित्त को शांत करते हैं, और जब चित्त शांत होगा, इस नव पीढ़ी को उससे जुड़ने का मौका मिलेगा, तो वो जो बुरे व्यसनों में और अलग अलग कुमार्गों में जा रही हैं उससे उन्हें रोका जा सकता है। सिर्फ यही हमारे ट्रस्ट और हमारे इस आध्यात्मिक स्थल मंदिर की एक पहल है, जिसमें हम यही चाहेंगे कि आप भी जुड़िए। हर इतवार 11 बजे से लेकर के 12:15 12:30 बजे तक का 1.5 घंटे का समय अपने बालकों को, अपने बच्चों को लेकर के मंदिर में आइए और यहाँ निःशुल्क उन्हें अपनी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ने का मौका दीजिए। यही सारा मैं निवेदन आपसे करता हूँ, कृपया अपने बच्चों को भेजिए, हमारा सहयोग करिए अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाने में, हमारी और अपनी सहायता। जय। आज यहाँ श्री श्री महाकाली दरबार में निःशुल्क संस्कृत की क्लासेस शुरू हुई है, आज आप पहली बार आई हैं, तो कैसा लग रहा है, हम ये जानना चाहेंगे, संस्कृत के शब्द कैसे लग रहे हैं, उसे पढ़ के कैसा लग रहा है, क्या फील कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है कि ये कठिन है या आसान है? कठिन है, लेकिन इसे सुनने में कैसा लगता है? तो आप हैं इच्छुक इसमें, इस क्लास में आप रेगुलर आएंगे, इच्छा है आपकी? फिलहाल प्रारंभ हुई इस संस्कृत पाठशाला के प्रथम दिवस 10 बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आने वाले समय में मंदिर समिति एवं मानव कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान ट्रस्ट के द्वारा इस पाठशाला का प्रचार प्रसार करके बृहद मात्रा में बच्चों को संस्कृत की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे अपनी संस्कृति को जानकर पहचानकर संस्कारवान बन पाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।